2004 से 2014 की, भारत के लोकतंत्र के इतिहास के उस कार्यकाल को एक काले अध्याय के रूप में लोग याद करेंगे। कोई दिन ऐसा बसता था जिस दिन कोई घोटाला ना होता रहा हो, कोई दिन ऐसा था, और मैं कहता हूं केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी तब भी, और उनकी कोई राज्य की सरकार ऐसी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लग रहे। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान बन चुकी है, और मैं तो जब कांग्रेस को देखता हूं आज के दिन पर, तो पता नहीं वह इटली से कुछ और लेके आए हो ना लेके आए हो, लेकिन माफिया राज तो जरूर लेके आए हैं, माफिया शब्द लेकर के आए हैं। ये देव भूमि है, हमारे लिए पवित्र भूमि है, हम इसकी वंदना करते हैं, लेकिन इस देव भूमि को माफिया भूमि बनाने का कार्य किया गया। यहां खनन माफिया हावी होता है, यहां वन माफिया हावी होता है, यहां शराब माफिया हावी होता है, यहां ड्रग माफिया हावी होता है, हर प्रकार का माफिया, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो यही होगा। राहुल गांधी कहीं और प्रदेश में जाते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि आप हमारे यहां मत आना, क्योंकि राहुल गांधी के आने का मतलब चुनाव हार की गारंटी। हमने 3 वर्ष में उतनी राशि विकास की यहां के लिए दी जो कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल से दुगनी से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप चाहिए कहीं भी, सिंगल लेन की सड़क है, अगर एक गाड़ी उधर से आ गई, एक बस उधर से आ गई, एक बस इधर से चली आई, और दोनों ड्राइवर अड़ गए कि हम हटेंगे नहीं, तो फिर दिन भर आप खड़े रहेंगे वहां पर।